आप लोग को जो यूनिवर्सिटी जो ऐप है उस पे अगर क्या कहते हैं वर्कशीट्स मिल गई हैं नहीं मिल गई हैं आप लोग की। वैसे जो वर्कशीट्स हैं अशरेज़ ओके अशरेज़ ऑल्सो ये आप लोग की जो वर्कशीट्स हैं वो क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी की ऐप पे है, लेकिन वो इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल की। तो मैंने अभी आपको ओवंस का समझ लो एक तरह से रिफ्रेशर दिया है। सही है। अच्छा क्यों दिया है? क्योंकि आपको मतलब थोड़ा सा समझ में आ जाता है कि इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल और अच्छे से समझ में आ जाएगा वंस यू नो कि आपका जो है एंगल्स वगैरह के हिसाब से आपको या ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी। तो फिर आपको मैं ओवंस के ही जो टॉपिक्स हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो भी कराऊंगा और आपको एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल भी कराऊंगा, लेकिन इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल बहुत बाद में कराऊंगा। वंस यू गेट टू नो कि ट्रिग्नोमेट्री का आपका रिफ्रेशर हो चुका है और आपको सब आ गया है, फिर आपको वही वाली वर्कशीट जब मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करूंगा कि आप लोग को भी ओवन वाली वर्कशीट दे रहे हैं ताकि आप लोग को आसानी हो जाए, आप पहले वो सॉल्व कर लो उसके बाद में हम इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स पाएंगे। एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स जो है बहुत आसान है, लेकिन उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। वैसे उसमें सिर्फ दो फॉर्मुलेशन है बस और कुछ नहीं है। सही है, लेकिन उसको समझना बहुत मुश्किल है। सही है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि हमें चेक करना होता है कि भाई क्या ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा एंगल बन रहा है, कौन सा शेप बन रहा है। अच्छा वो मैथमेटिकली सॉल्व करने के हिसाब से तो बहुत आसान है, लेकिन उसको समझना जरूरी है। सही है। और ट्रिग्नोमेट्री मुझे लगता है कि क्योंकि हम लोगों ने जब सेशन एंड हो रहा था तो उस वक्त हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री को टच तो कर लिया था, सॉल्व भी कर रहे थे पासवर्ड्स के थ्रू, लेकिन हम लोग ज्यादातर जो है उसके क्वेश्चंस को कर तो सके थे, लेकिन अभी क्योंकि इतना बड़ा गैप आ गया तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा आप लोग पहले ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा समझ लो, देख लो कि क्या सीन है, तो फिर उसके बाद फिर सही है, तो उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि भाई क्या हो सकता है, एंड देन आई गो मूव फॉरवर्ड विद इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स। सही है। अच्छा अब क्योंकि आप एक सेकेंड है, एम आई एबल टू लाइक सेंड फाइल्स हियर? यस आई एम। तो अभी देखो मैं आप लोग को इधर ही एक फाइल सेंड करता हूँ। सही है, ताकि आप लोग उसमें आराम से कर सको या देख सको। अच्छा इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स की तो आपके पास होगी आई सपोज। सर हमें कुछ वर्कशीट्स भी मिली हैं। हाँ तो वो वर्कशीट वही मैं बता रहा हूँ ना आपको कि वो स्कूल की तरफ से आप लोगों को मिली होंगी। यस सर, ये एक अदर डाउनलोड कर लें। और ये देखो भाई ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री की वर्कशीट आ रही है, तो ट्रिग्नोमेट्री की वर्कशीट पहले आप सॉल्व करोगे, उसके बाद आप सॉल्व करोगे इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स की। ट्रिग्नोमेट्री की वर्कशीट अभी आप भी सॉल्व हो सकती है, आप मुझे नेक्स्ट क्लास जो नेक्स्ट वीक है उस तक बताओ कि क्या है, और अपनी प्रोग्रेस जो है ना आप खुद ही असेस करो, उसके अंदर आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री की वर्कशीट अगर मैं खोल के दिखाऊं तो ओके ट्रिग्नोमेट्री की अगर मैं वर्कशीट खोल के दिखाऊं तो कहाँ है ये रहा। हाँ तो ये देखो ये ट्रिग्नोमेट्री की वर्कशीट है। सही है। इसके अंदर करना आपने कुछ यूं है कि जल्दी खुल जाओ सिम सिम। हाँ हो गया भाई। देखो आपकी जो वर्कशीट है इसके अंदर देखो अब बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग द ग्रिड ऑफ सर्टेन ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है। अब ये क्योंकि 90 डिग्री एंगल है दिख रहा है आपको। सही है। क्यों पर नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा भाई? स्क्रीन पे नहीं आ रहा क्या? नहीं स्क्रीन शेयरिंग हो मारा आ गई? रहा है। बाकी लोगों को नजर आ रहे? सर फाइल नहीं ओपन हुई। नहीं। हाँ हमारी भी नहीं हुई। अच्छा आपके पास फाइल नहीं ओपन हुई या फिर मेरे पास फाइल नहीं दिख रही आपको? सर आपके पास हमें भी नहीं नहीं दिख दिख रही। रही। ओके आप लोगों को नहीं दिख रही तो चले ये कौन है भाई? क्यों है ये? कौन कर रही है? अच्छा
चलो देखते हैं। इसकी प्रिंट स्क्रीन मैं करके देता हूँ आप लोगों को, ताकि इस पे आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए कि क्या बोल रहा हूँ मैं। सही, ओके। अच्छा अब ये हो गया, ये बाकी लोग। अच्छा चलो चलो चलो, ठीक ओके, ये रहा। सही है। अच्छा अभी देखिए भाई, कौन है ये, कौन कर रहा है? नहीं करो भाई, मैं अभी नहीं बंद कर रहा, स्ट्रिक्ट हो जाऊंगा मैं। नहीं करो, फाइल ओपन नहीं हो रही आप लोगों के पास। नो सर, चलो अच्छा एक काम नो। करते हैं, एक अच्छा सा काम करते हैं, वो ये के अच्छा वैसे मैंने ये भेजी तो है, ये भाई ये एनोनिमस कौन है यार? खैर हो गए। अच्छा चले, जो अभी मैंने आपको फाइल भेजी है ट्रिग्नोमेट्री की, चलिए कोई मसला नहीं ना भाई, रो पेपर सबके पास है ना, तो रो पेपर में आप एक काम कीजिएगा कि उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं रो पेपर वाले, या फिर मैं अभी देखो मैं ओके फॉर एग्जाम्पल देखो भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये एक लेंथ है परपेंडिकुलर, और ये एक लेंथ है, और ये एक लेंथ है राइट, ये एक लेंथ है राइट, ठीक है। तो देखो ये जो लेंथ है, नीचे वाली जो लेंथ है वो है आपकी बेस, जो ऊपर वाली जो लेंथ है ये आपका परपेंडिकुलर, और ये वाली जो लेंथ है ये आपकी है हाइपोटेन्यूज। सही है, अंशरा हैज एंटर्ड। ओके अब देखो भाई, कहानी ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इस एंगल के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ, सही, तो इस एंगल के रेफरेंस से ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर। सही है। अच्छा एलेक्स भट्टी, ये कौन है? अच्छा इस एंगल के रेफरेंस से ये वाली चीज परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये वाली चीज आपको जाएगी, और ये वाली चीज आपकी हो जाएगी हाइपोटेन्यूज। अगर मैं इसका साइन थीटा लेता हूँ, अच्छा आप देखो थीटा को बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम जस्ट यूजिंग दिस। सही है, वो बराबर है परपेंडिकुलर
अपॉन हाइपोटेन्यूज के, ठीक है, कॉस थीटा बराबर है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, और टैन थीटा आपके बराबर है परपेंडिकुलर ओवर बेस। सही है, यहां तक सबको समझ में आई है क्या बोल रहा हूँ मैं ये? सही सर, सही 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 हो गया। अच्छा हाँ, मतलब ये है कि देखो भाई, ये वाला जो इंसान है ना, कौन सा ये वाला जो इंसान है ना, ये 90 डिग्रीज है, सही है। इसके ही अपोजिट जो है वो होता है हाइपोटेन्यूज, इसके जो अपोजिट होता है वो होता है आपका परपेंडिकुलर, और इसके ही जो नीचे होती है वो होती है आपकी बेस। यहां तक आपको समझ में आया? यस जी जी सर। और एक और चीज है कि आपने हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस प्लस बेस के स्क्वायर के। ये बात समझ में? अच्छा, ये कैप और टू का मतलब है कि पावर टू है, राइट? सही है। तो अब मैं जिस तरह से बात कर रहा था, मैं ये बात कर रहा था यहाँ पे कि अगर हाइपोटेन्यूज मेरा 5 है, सही, और परपेंडिकुलर मेरा 4 है, बेस मेरी 3 है, सही। तो यहाँ पे देखें क्या होता है, 5 का स्क्वायर, सही है, 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सही है, व्हिच देन टर्न्स इनटू 25 इज इक्वल्स टू 16 प्लस 9 व्हिच इज इक्वल टू 25 इक्वल्स टू 25। यहां तक सबको समझ में आया? यहां तक समझ में? जी सर, जी जी सर। आयशा सर, तब अभी ज्यादा क्लियर हो रहा है। सही है। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया कि क्या सीन है? जी जी सर, जी सर। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि आपने ये भी देखना होता है कि दूसरा ये है कि आपने ये चेक करना है कि फॉर इंस्टेंस अगर आपका, ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर आपका ये वाला जो लेंथ है और ये वाली कोई सी भी लेंथ हो, फॉर एग्जांपल लेट्स से ओके, आई शुड डिलीट दिस, ये बहुत ही फारिग बनी है, अच्छा देखो ये है एंड दिस, अच्छा अगर इफ दिस एंगल इज 90 तब ये जाके पाइथागोरस क्या करता है, अगर ये 90 नहीं है तो फिर क्या सीन है वो भी देखता है। सही है, जब 90 नहीं होगा तो क्या करेंगे भाई? अब करेंगे कुछ ऐसे कि इस पे सब कुछ पे लगता है, जो 90 वाले अंकल लोग होते हैं उस पे लगता है पाइथागोरस थ्योरम, सही है, और साइन कॉस टेन, सही है, इन्हें हम बोलते हैं, साइन कॉस टेन को हम बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोस, सही है। यहां तक बात समझ में आ गई सबको भाई? यस ओके सर।
अच्छा वो जो एग्जांपल वो यही थी कि जो हाइपोटेन्यूज वाले अंकल है वो यहाँ पे लैडर है, सही है, जो ग्राउंड था वो आपका बेस हो गया और जो वॉल थी वो आपकी परपेंडिकुलर हो गई, यहाँ तक बात समझ में आई? यस। अच्छा अब ये भी हो सकता है कि परपेंडिकुलर 3 हो जाए और बेस मेरी 4 हो जाए, मतलब ये कि हमने लैडर बहुत नीचे करके रखी हुई है, ऐसे ऐसे नहीं रखी हुई, अब ऐसे रखी हुई है। तो देखो इस पार्ट से ये पार्ट बड़ा हो गया, राइट। मैं बताता हूँ आपको, देखो जैसे मैंने अगर फॉर इंस्टेंस मैंने लैडर को ऐसे रखने के बजाय लैडर को बहुत ऐसे रखा हुआ है, अब आप ये देखो ये जो डिस्टेंस है बेस वाला वो बड़ा हो गया, yes. सही है। तो इसमें कोई मसला नहीं है कि भाई ये परपेंडिकुलर को बड़ा होना चाहिए बेस को छोटा होना चाहिए, नहीं, कुछ भी हो सकता है प्रोवाइडेड कि वो सेटिस्फाई कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम को और साइन कॉस टैन, सही है। अब इसमें एक और अच्छी बात ये देखो कि जितनी बड़ी बेस होती रहेगी उस एंगल के रेफरेंस से वो एंगल छोटा होता रहेगा, ऐसे दिख रहा है आपको, सही। देखो मैं इसको यहां से समझाता हूँ, द हायर द एंगल द लोअर द बेस वैल्यू, सही है, मतलब ये कि जितना एंगल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा उसकी बेस कम होती जाएगी, मतलब वो दीवार से ज्यादा जल्दी उसका ग्राउंड का जो वो है ना डिस्टेंस वो कम होगा। और दूसरा ये है द द लोअर द वैल्यू द लोअर द एंगल, एक तरह से कर लो चलो, एंड द लोअर द एंगल द हायर द, देखो अब मैं ये बोल रहा हूँ द लोअर द एंगल मतलब कि वो एंगल बहुत छोटा है, द हायर द बेस वैल्यू, सही है। इसका मतलब ये कि एंगल और बेस आपस में इनवर्सली रिलेटेड हैं, सही है, एक वैल्यू बढ़ रही है तो एक वैल्यू कम हो रही है, ठीक हो गई यहां तक बात? यस। अब इसकी ही एक और अच्छी सी एग्जांपल ये है कि अगर भाई मैं ये हायर बेस वैल्यू वाली चीजें लिख रहा हूँ सारी चीजें, तो इसमें एक और पॉइंट आ गया, द हायर द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर the higher the value of perpendicular the higher the angle, sahi hai, the lower the value of perpendicular the lower the angle, yahan tak baat samajh mein aa gayi? Yes. Sabke samajh mein aa gayi bhai? Yes. Okay. अच्छा इसी रेफरेंस पे आज की जो क्लास है उसकी समराइजेशन ये है कि जब एंगल 90 होगा तब हम लगाएंगे, तब हम साइन कॉस टेन लगाएंगे, तब हमें पता लग जाएगा कि कोई एक बंदा अगर 90 है तो वो पाइथागोरस थ्योरम या राइट एंगल फॉलो कर रहा, सही, राइट एंगल फॉलो कर रहा है, अगर वो नहीं कर रहा तो अच्छा अगर वो नहीं कर रहा तो फिर कोई मसला होगा, सही है जी। एक सेकेंड, मैंने मैसेज किया, देखते हैं आते रिप्लाई नहीं आते, क्या हो गया भाई, कौन है, हेलो हाय, अच्छा अब यहाँ तक सबको समझ में आ गई बात, तो जो टेक होम मैसेज है, जो टेक होम मैसेज है भाई वो यही है कि आपने ये चेक करना है कि आपकी जो भी वैल्यूज है वो इस रेफरेंस में कहाँ पे लाई कर रही है, ठीक है,
और इसके बाद आपको जो ट्रिग्नोमेट्री की वर्कशीट मैं मैम तैयबा से या फिर उजैद से सही है। आई मैंने आपको ओवंस का रिफ्रेशर दिया है कि आप लोगों ने ओवंस में मेरे साथ क्या पढ़ते थे आए हो सही, उसी की रेफरेंस में मैं आपको बता दूंगा कि भाई इस तरह से चीजें थी सही है। अच्छा यहाँ तक बात समझ में आ गई ठीक है। अच्छा यहाँ तक अगर सबको बात समझ में आ गई है तो फिर आज की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं सही। ओके और फिर आपका होमवर्क सब लोगों का ये है कि आप लोगों सब ने जो मैं वर्कशीट सेंड करूंगा जो फिल्म वर्कशीट की ऐप है उस पर अपलोड होगी वो सारी करनी है और जहाँ जहाँ रुकोगे तो नेक्स्ट क्लास में हम वो वाली चीजें डिस्कस करेंगे। अभी हम 90 के अलावा वाली पे नहीं जा रहे ठीक है, अभी सारे अभी हम 90 के अलावा नहीं जा रहे ठीक है भाई। जैसे आपने ये हमें लैडर की एग्जांपल देके समझाया वैसे ही करना है ना हाइपोथेनियस पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। हाँ 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 सब सब वैसे ही करना है। देखो एग्जांपल से अच्छा समझ में आ जाता है, अगर मैं भी ये बोल रहा था कि ये परपेंडिकुलर है और ये है और ये है तो फजूल सी बातें लगती ना, तो लैडर से समझ में आ गया अच्छा ये भाई ये वाली चीज हाइपोथेनियस है, ये वाली चीज ग्राउंड हमारा बेस है और जो हमारी वॉल है वो परपेंडिकुलर है, इससे हमें समझ में आ गया कि अच्छा हाँ ये चीज है कुछ सही है। इसी वजह से हम जो मैं आपको भी वर्कशीट वगैरह सर उजैद वगैरह से कोऑर्डिनेट करवा के आप लोग के पास भी डाल दूंगा तो उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ यही करना है कि आपने चेक ये करना है कि क्या कहते हैं आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सक रहे हो नहीं कर सक रहे और उसके आंसर भी दिए ताकि आपको ये इंश्योरिटी हो जाए क्या कहते हैं कि भाई आप लोगों को जो आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है, अगर नहीं सही आ रहा तो कोई मसला नहीं, जो मेरे वो है टाइम है वो है 3 to 4 कंसल्टेशन आवर्स जो है वो 3 to 4 है, आप उससे पूछ सकते हैं और जब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे तो उससे पहले हम जैसे हमारी क्लासेस कंसेक्यूटिव हुआ करेंगी ना तो थर्सडे को हुआ करेंगी 2 क्लासेस तो पहली क्लास में आपके 3 क्वेश्चन है वो सारे देख लेंगे फिर दूसरी क्लास में मैं आपको और आगे की चीजें समझाना शुरू कर दूंगा। यहाँ तक बात समझ में आई और आप लोगों को पता ही है वैसे कि रोफ पेपर आप लोगों ने ऐप है एक वो डाउनलोड करनी है एंड दैट ऐप हैज अ लॉट ऑफ लाइक मीनिंगफुल क्वेश्चंस तो आप उसमें से भी कर सकते हो क्वेश्चंस वंस यू आर डन विद द वर्कशीट्स सही है, क्योंकि वर्कशीट एक तरह से स्टार्टर है, मोमेंटम गेन कर लोगे तो फिर आपको आप आज में क्वेश्चन भी कर सकते हो ठीक है। दैट ऑल फॉर दिस क्लास, बाय नाउ सही है, अल्लाह हाफिज, सी यू, अल्लाह हाफिज, see you all in the next class with homeworks done sahi hai sahi hai okay bhai allah hafiz aur jo app hai wo aap log ki school ki app hai university app hai aur jisme passports hote hain wo hoti hai rove paper ROVEPAPERS rove papers sahi hai bhai okay bhai bye allah hafiz enjoy the quarantine life sahi officer